ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी का आनंद लेने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा साथी और सारथी। आइए सुनते हैं कहानी। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना। लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूँगा। पार्थ ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को मैं स्थिर रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के हर पल भटकते और विचलित मन को स्थिर करने का कार्य केवल प्रभु ही कर सकते हैं, वह भी यदि आप निश्चय बुद्धि हो तो। जीवन की सत्यता यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण निरंतर नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो सीमा से आगे की बागडोर संभालता है, बस वही एक सच्चा साथी और सारथी कहलाता है। उसी का नाम है भगवान। सदा स्मृति में रहे कि आप एक शांत स्वरूप और वरदानी आत्मा हैं। ओम शांति।